हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस बड़े से ड्रोन की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी क्वालिटी के बारे में और करेंगे इसका फ्लाइंग टेस्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, और आज की इस वीडियो के लिए हम 500 लाइक्स का एम रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर बार की तरह इस एम को भी पूरा कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो ड्रोन है ये मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने सेंड किया है, और उनका भी यूट्यूब पर एक अनबॉक्सिंग चैनल है। ये है उनके चैनल का इंटरफेस। यदि आप उनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनके चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसके ऊपर क्लिक करके उनके चैनल पर जा सकते हैं और उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको उनकी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चाहते हैं उनकी वीडियोस को फ्यूचर में देखना तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से करते हैं इस ड्रोन को बॉक्स से बाहर और फिर करेंगे इसका फ्लाइंग टेस्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ड्रोन है वो है बॉक्स से बाहर, और अब बात कर लेते हैं कि इस ड्रोन के साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें इसके साथ मिल जाता है रिमोट कंट्रोल, जो कि इस ड्रोन को बड़ी ही आसानी के साथ कंट्रोल करेगा। और जो चीज़ें हैं वो हैं इस पोलोथीन बैग के अंदर। जैसे ही हम पोलोथीन बैग ओपन करते हैं तो इसके अंदर से हमें सबसे पहले देखने मिल जाती है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों ही लैंग्वेजेज में लिखी गई है, और जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर रिमोट और ड्रोन दोनों के बारे में डिटेल में बताया गया है। अभी रखते हैं इसको साइड में और देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। इसकी बैटरी जो है वो 3.7 वोल्ट की है और 450 mAh की है, जिसको आप आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इसका चार्जर, जिसको आप अपने मोबाइल चार्जर के साथ अटैच कर सकते हैं और इसकी बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, और जो हमें इसके साथ मिल जाता है वो है इसके लैंडिंग गियर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैं इसके लैंडिंग गियर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन लैंडिंग गियर्स को अपने ड्रोन के साथ अटैच कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ड्रोन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है, और चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो ड्रोन की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और जो फिनिशिंग है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें आपको 4 LEDs देखने मिल जाती है, 1, 2, 3, 4, और 2 LEDs ऊपर की तरफ देखने मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, जो इसके प्रोपेलर गार्ड्स हैं वो ऑलरेडी अटैच्ड हैं ड्रोन के साथ। इधर की तरफ आपको ऑन ऑफ स्विच देखने मिल जाता है, और इधर आपकी बैटरी डलती है। ये है बैटरी कंपार्टमेंट। तो आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं आपको यहाँ पर बैटरी इंसर्ट करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे ओपन करते हैं और करते हैं अपनी बैटरी को इंसर्ट। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप इसकी बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं, और अब एक बार इसे ऑन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं जो LEDs हैं वो ब्लिंक होना स्टार्ट कर देती हैं, और इसके अंदर काफ़ी LEDs हैं जिसकी हेल्प से ये जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। इसके अंदर 7 LEDs का यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, इधर की तरफ आपको देखने मिल जाते हैं इसमें कोरलेस मोटर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिमोट कंट्रोल के बारे में। रिमोट कंट्रोल के अंदर इधर की तरफ सेल गिरते हैं जो कि नॉन रिचार्जेबल सेल्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से उन सेल को इंसर्ट कर लेते हैं,
और फ्रेंड ये जो ड्रोन है ये तकरीबन 2000 की प्राइस रेंज के अंदर अमेजोन पर अवेलेबल है। यदि आप इस ड्रोन को परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस ड्रोन को आसानी से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो सेल हैं वो अच्छे तरीके से रिमोट के अंदर इंसर्ट हो गए हैं और अब एक बार रिमोट को ऑन करके देखते हैं। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो रेड कलर की जो LED है वो ब्लिंक होना स्टार्ट कर देती है और इसमें इसके अंदर आपको दो जॉयस्टिक मिल जाती हैं, लेफ्ट जॉयस्टिक जो कि हमारे ड्रोन को अप डाउन और मूव लेफ्ट मूव राइट करेगी और राइट जॉयस्टिक है वो है डायरेक्शन के लिए जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट और राइट डायरेक्शन हैंडल करेगी। इधर की तरफ आपको राइट ट्रिम लेफ्ट ट्रिम और ऊपर की तरफ आपको 360 फ्लिप और स्पीड कंट्रोलर मोड ये देखने मिल जाता है। जो रिमोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस रिमोट की। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं ग्राउंड में और करके देखते हैं इसका फ्लाइंग टेस्ट। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।